जवाब तो हमें भी आई बात, ये कहां से लेके निकले थे इसको? हमें तो अभी फुलवानी गाड़ी मिली थी। फुलवानी गाड़ी मिली थी कहां पे? फुलवानी। फुलवानी कौन से राज्य में है? उड़ीसा में। उड़ीसा में है। वहां से चावल लेके कहां जा रहे थे तुम लोग? आगरा के लिए बताया था। आगरा? आगरा के लिए कोई चावल लेके क्या फुल उड़ीसा से कोई चावल लेके आगरा जाएगा क्या? बेवकूफ समझाओ मुझे, कहां के रहने वाले हो? राजस्थान का रहने वाला आदमी उड़ीसा जा रहा है ये 407 में ये चावल का ट्रक लेके, बेवकूफ समझ रहे हो मुझे? इधर देखो, ऊपर देखो बेटा, ऊपर देखो, इतना नशे का सामान लेके जो घूम रहे थे तुम। चलाता था पहले गाड़ी, तो उससे मुलाकात हो, बहुत दिन से चला रहा हूँ, बहुत दिन से गाड़ी चला, दो तीन दिन मिले चला गया था, मुझे पूछ रहा हूँ जवाब दो, वो आंध्रा का आदमी से कैसे तुम्हारा संपर्क हुआ के उठाना है सामान फोन पे? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तो गाड़ी चलाता था इसको पहले से। पहले गाड़ी चलाते थे तुम? गाड़ी किसके नाम की है? वो गाड़ी कब से चला रहे हो उसकी तुम? दो तीन महीनों से। दो तीन महीनों से चला रही हो? इनका पूरा सीरियल निकालना। अरहर का चुन्नी वो तो समझ गया होगा, अरहर का चुन्नी है वो तो दिखाने के लिए है ना, इसका निकालना सीरियल ठीक है, और गाड़ी के मालिक को भी टीम भेज के करेगी गिरफ्तार करवाना ठीक है। गाड़ी का मालिक का नाम क्या है? सेवा। अरे पूरा बता नाम। सेवा, ये मुझे नहीं शिवा, तुम्हें मालूम है आंध्रा में कहाँ का रहने वाला? विजयवाड़ा के पास। विजयवाड़ा के पास का? तुम्हारी दोस्ती कैसे हुई उससे? मैं गाड़ी चलाता था, वो भी अपनी गाड़ी चलाता था। तुम कौन सी गाड़ी चलाते थे? केंटर। कौन सा? केंटर। केंटर, केंटर चलाते थे। कहाँ पे मिला तुम्हें वो? वो अपने आगरा में मुलाकात हुई थी उससे। आगरा में मुलाकात हुई तो, और ये चावल उठाना है ये कैसे मालूम चला तुम्हें? खुशबू लेते हुए आए। कितना गांजा देख रहे हो उधर, घुमा के दिखाओ जरा कितना गांजा है। 1100 किलो गांजा तुम लोग जो है, 1050 किलो गांजा, बताओ कितने लोग बर्बाद हो जाएंगे इस गांजा में। कभी शर्म नहीं आई काम करते हुए? बाबूजी हमें पता नहीं था इसमें ये लोड आता बिल्कुल नहीं। अरे भैया तुम सुनो, हम इस चीज को यूज भी नहीं करते, हमारे बच्चे भी आगे। मैं समझ गया हूँ, समझ गया हूँ, तुम बहुत 3 महीने से क्या करो, इनका पूरा मोबाइल डिटेल निकाले। मोबाइल जब्त किया इनका दोनों का? इनका भेजे मोबाइल फोन से लैब में ठीक है, पूरा निकाले और उससे जो बात हुई है उसका भी पता लगा है, और टीम भेज के कल ही गिरफ्तार कराए उसको। यस सर। ठीक है बताओ कितने लोग इसमें मरेंगे पता है तुम्हें? नस्ल बर्बाद कर दिया तुम्हारे जैसे लोगों ने। राजस्थान का आदमी आगरा जाके यहाँ आंध्रा की गाड़ी को लेके आ रहा है, वहां से शर्म नहीं आती बिल्कुल? पैसों कुछ पैसों के लिए तुम लोग बर्बाद कर रहे हो देश को। 1100 किलो गांजा पार करते कहां लेके जा रहा था इसको? चावल कहां डिलीवरी हो रहा था? तो बता रहा था कि नाम है आगरा के पास खड़ी कर देना गाड़ी। आगरा के पास खड़ी कर देना और फिर छोड़ देना, और वहां से कौन उठाएगा? पता नहीं मुझे, ये नहीं मैं बोला था नाम है, वहीं छोड़ देना गाड़ी। हाँ चावल की गाड़ी होगी तो कहीं छुड़वा देगा वो। आज कवर्धा जिले के चिल्फी थाना क्षेत्र में पुलिस को एक अहम कामयाबी मिली है। टाटा 1109 गाड़ी में 1050 किलो गांजा पुलिस द्वारा जो है जब्त किया गया है, जिसकी ओरिजिन पे कॉस्ट 2 करोड़ से ज़्यादा और मार्केट प्राइस 15 करोड़ से ज़्यादा है। ये कवर्धा जिले में अभी तक की सबसे बड़ी सफलता है। इससे पहले 10 क्विंटल से ज़्यादा गांजा कभी पकड़ा जा नहीं गया था। गांजा परिवहन उड़ीसा के बुरांगीर जिले से लेकर आगरा यूपी उत्तर प्रदेश में इसको लेके जाया जा रहा था। ये पहले भी तस्करी में इन्वॉल्व था, इसके मोबाइल से बहुत सारी जानकारियां मिली हैं। इसमें बड़े गांजा तस्करों को आने वाले समय में गिरफ्तार किया जाए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।